हाय फ्रेंड, विनय सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हाय फ्रेंड, विनय सर 100 के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनय कुमार, मैं आज आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल के बारे में बताऊंगा। पहले बताने से पहले, जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको सब रिलेटेड से वीडियो और भी बनाता रहूँगा। पहले मैं होम टैब के बारे में समझाऊंगा और लाइन तारीख पूरे टैब क्लियर कर दूंगा। फर्स्टली मैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल के बारे में बताऊंगा, जो इस साइड को दिख रहा है, ऑफिस बटन की साइड है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसको समझने के लिए हम कुछ यहाँ पर पेज पे टाइप कर लेंगे। मैं टाइप करता हूँ हाय फ्रेंड, हाय फ्रेंड, ठीक है। मैंने हाय फ्रेंड्स टाइप कर लिया है और यहाँ पर एक मार्क दिख रहा है, इसे कहते हैं अनडू, अनडू टाइपिंग। जिससे मैंने कुछ भी लिखा है उससे अनडू करना है या नहीं लिखना है। अन माने होता है नहीं, डू माने करना, जिससे नहीं करना। जो मैंने हाइफ़न लिख चुका अनडू करना है, तो मैं इसे अनडू बटन पे क्लिक कर दूंगा। ये अनडू पे क्लिक कर दिया तो फ्रेंड्स हट गया, दोबारा से अनडू, इसको भी नहीं लिखना, हाई भी हट गया, ठीक है। अगर मुझे इसे रिपीट करना है तो रीडू, रीडू माने दोबारा से लिखना है, री माने दोबारा से, डू माने करना, तो रीडू पे क्लिक कर दूंगा तो ये हाई भी आ गया, फ्रेंड भी आ गया। अगर हमें इसे शॉर्टकट की से करना हो तो अंडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड, और रीडू माने दोबारा से लिखने की है, रिपीट करने की, रीडू कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई के थ्रू दोबारा से ला सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर कुछ न्यू पेज लिखा हुआ है, न्यू पेज हम ऑफिस बटन पे क्लिक करके यहाँ से भी एक न्यू पेज ले सकते हैं। अगर हमें उसके अंदर नहीं जाना है तो कस्टमाइज क्योंकि टूल की बार से ले सकते हैं। तो यहाँ से एक न्यू पेज ले सकते हैं। न्यू जैसे लिया तो हाइफ़न हट चुका है, पर हाइफ़न लिखा हुआ है। यहाँ से मिनिमाइज करेंगे इसे तो वो यहाँ पे हाइफ़न दिखा रहा है, ठीक है। तो वहाँ से हमने न्यू पेज ले लिया। इसका नाम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जल्दी से ऑप्शन रिलीज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यहीं से न्यू ले लिया, हम ऑफिस बटन के अंदर जाते हैं फिर न्यू लेते हैं, न्यू पेज, तो हमने यहीं से ले लिया। और यहाँ पर है फॉर्मेट, प्रिंटर और प्रिंट। अगर मैं इसका प्रिंट करना हो तो यहीं से प्रिंट पे क्लिक कर दो तो ये प्रिंट साइज आ जाएगा प्रिंट देने के लिए। तो यहाँ पे प्रिंट आया तो यहाँ पे ये वाला फोल्डर ऑप्शन हो गया जो प्रिंट का दिखा रहा है हाई प्रिंट को, ठीक है। तो इसे मैं कट कर दो, मैं प्रिंट तो कर नहीं रहा। और यहाँ पे पॉइंटर साइज बिंदु पे क्लिक करेंगे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार की। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन, सेव, ईमेल, अगर मैं कोई फाइल ओपन करें तो ओपन वाले पे भी टिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन का भी ऑप्शन हो गया। अगर मुझे कोई फाइल ओपन करनी है तो मैं इस यहाँ से भी क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। ये मुझे कोई फाइल ओपन करें 100 स्टार की, जैसे मैं 100 स्टार की फाइल ओपन करता हूँ तो ये कुछ लिखा हुआ है, वो सारा चीज़ आ चुका है। तो ये अब मैं ऑफिस बटन के अंदर जाता और उसके बाद ओपन क्लिक करता तो टाइम लगता। जब इसका नाम रखा है क्विक एक्सेस टूल बार, जो बाहर से ओपन हो जाए फोल्डर। अगर मुझे यहाँ पर सेव का ऑप्शन लगाना है तो यहाँ पर आ गया, यहाँ से फाइल सेव भी हो जाएंगी। अगर मुझे यहाँ से ईमेल, प्रिंट प्रीव्यू, अनडू, ड्रो टेबल, अगर टेबल ड्रो करने तो ड्रो टेबल के ऑप्शन लगा सकते हैं। अब ड्रो टेबल के लगा दिए मैंने कुछ ऑप्शन, तो मैं ड्रो टेबल पर क्लिक कर सकता हूँ, न्यू ओपन कर सकता हूँ। अगर न्यू लेना तो यहीं से न्यू कर सकता हूँ, न्यू पेज लेना तो न्यू पेज आ गया। अगर मुझे कुछ टेबल बनाना है तो यहीं से टेबल बना सकते, टेबल पर क्लिक करके और यहाँ से लेफ्ट दबा के ड्रो कर सकता हूँ टेबल। इस टेबल के अंदर जो मर्जी मुझे लिखना है मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा इक्वल R A N D और एंटर दबा दिया, जैसे दबा दिया कुछ लिख के आ गया, ठीक है। तो यहाँ से टेबल ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, सो ब्लो द रिबन। सो ब्लो माने नीचे की ओर दिखाना, ये रिबन ऊपर की ओर दिख रहा है उसे नीचे की ओर दिखाना, तो सो ब्लो द रिबन पर क्लिक करेंगे, नीचे आ गया वाला ऑप्शन। अगर इसी के नीचे होगा सो ब्लो द रिबन एबो, सो अबव द रिबन, अबव माने ऊपर की ओर, ऊपर की ओर आ गया। तो जो ऊपर नीचे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और एक यहाँ पर है मोर कमांड, मोर कमांड माने और एक्स्ट्रा कमांड में जाना, तो मोर कमांड पे क्लिक करते हैं। जैसे मोर कमांड में क्लिक करते हैं यहाँ पर और ऑप्शन आ गया, ड्रो, फॉन्ट, हाइपर लिंक, बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं यहाँ पर। सेव न्यू, ओपन, सेव एज, सेव आ गया, स्टाइल, अंडो, रेडो, जो ऑप्शन लगा रखे हमने, और कुछ एडिटर, फुटर, बॉर्डर, बॉर्डर सेटिंग का ऑप्शन भी हम यहीं पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर लेंगे जो भी ऑप्शन लगाना। जैसे बॉर्डर सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है,
ठीक है। तो ये प्रकार से स्पेलिंग ग्रामर को लगाना है इधर, तो स्पेलिंग ग्रामर लग चुकी स्पेलिंग चेक करने के लिए। मोर कमांड में जाके और कमांड लगानी होती है, यहाँ पे पॉपुलर कमांड है जो अब यहाँ पर कमांड नोट इन रिबन, जो रिबन में नहीं हो वो वाली कमांड आ गई, ठीक है। ऐड ऐड फेवरेट, सारी अलाइन बॉटम टॉप जो भी कुछ लगाना आप इधर से भी लगा सकते हो कमांड है, कस्टमाइज कर सकते हो बाद में। फाइंड का ऑप्शन यहीं पर मैं ऐड कर देते हैं और ओके कर ऐड करके ओके, ये फाइंड का ऑप्शन आ चुका। तो यहाँ पर हम कस्टमाइज क्यूक एक्सेस टूल के बारे में समझ चुके हैं। और यहाँ पर ऑफिस बटन के अंदर यहाँ पे भी न्यू का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम कोई न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं, न्यू पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। ये एक न्यू पेज क्रिएट हो गया, अब इस पर कुछ भी डाटा टाइप कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो टाइप कर सकते हो। और यहाँ पर ओपन किसी और की फाइल ओपन करो तो यहाँ से ओपन जाएंगे और कोई सी फाइल पर क्लिक कर देंगे, जैसे आकाश वर्मा ने एक फाइल बना रखी है इस पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसे आकाश वर्मा ने नोटिस बनाया था, ठीक है, नोटिस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आकाश वर्मा की फाइल पहले से आकाश वर्मा के नाम से सेव है, यहाँ पर दिख रहा है टाइटल बार में आकाश वर्मा, अगर से मैं दूसरे नाम सेव करना तो सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद ये आकाश वर्मा का नाम की जगह कुछ और टाइप कर देंगे, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ विनय कुमार, ठीक है, विनय कुमार के नाम से फाइल सेव कर देता हूँ। सेव जैसे मैंने सेव करी तो यहाँ पे चेंज हो गया, विनय कुमार ने बनाई, इसी की फाइल का नाम बदल दिया, दूसरे के नाम पे सेव कर दी फाइल। और इसके बाद है प्रिंट, प्रिंट माने प्रिंट देने के लिए, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये इसका प्रिंट दिखाने लगा। हमें इसी चीज़ के कितने पेज प्रिंट करने हैं जो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एक दो तीन जितने पेज करने, चार पेज प्रिंट होंगे इसी पेज के, करंट माने हाल ही के, और ओके कर देना आपको, और कुछ नहीं करना, तो ये चार पेज प्रिंट हो जाएंगे। और यहाँ पर है प्रीपेयर, प्रीपेयर के द्वारा हम इसमें प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं, तो मैं पहले आपको लॉक लगाना सिखा देता हूँ। इसी के द्वारा एनक्राइप का ऑप्शन दिख रहा है आपने, एनक्राइप डॉक्यूमेंट, एनक्राइप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, इस फाइल में पासवर्ड लगा देते हैं, पासवर्ड लगा दिया मैंने 100 डाल दिया और ओके कर दिया। दोबारा कन्फर्म पासवर्ड पूछ रहा है तो कन्फर्म कर दिया 100, ओके कर दिया, तो इस फाइल पर क्या लग गया, पासवर्ड लग गया। पासवर्ड लगाने के बाद कंट्रोल एस कर देना है और इस फाइल को क्लोज कर देना है, ऐसे क्लोज वाले बटन से क्लोज कर देना है, क्लोज वाली फाइल तो क्लोज कर दिया। और हमें वो वाली फाइल ओपन करनी है विनय कुमार वाली, तो हम इस पे जाएंगे और विनय कुमार वाली फाइल पे ओके कर देंगे। अगर हम यहाँ से ओपन करते हैं यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और एक यहाँ पे भी ओपन करने का हमने ऑप्शन लगाया था, ऐड करा था ये रहा ओपन, कंट्रोल ओ ओपन के लिए, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम फाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे विनय कुमार, जैसे हमने सर्च करा तो यहाँ पे लिखा है विनय कुमार डॉट डी ओ सी एक्स, ठीक है, इस पर क्लिक करके ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, प्लीज एंटर एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल, हम इसको पासवर्ड डाल देते हैं 100, ओके, तो ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगाना आपको बता दिया है, ठीक है। तो और ऑप्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, तो ना तो वीडियो हमारी बड़ी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।
इसे हम पेस्ट कर, पेस्ट करने से पहले एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट विंडो ओपन कर लेंगे या न्यू पेज पे क्लिक करके न्यू और पेज न्यू पे क्लिक करेंगे और क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के न्यू पेज ओपन हो चुका है और पेस्ट पे जाएंगे और पेस्ट एज ऐप लिंक ओपन हो चुका है। पेस्ट एज ऐप लिंक पे क्लिक करेंगे, इसे हम क्लिक करते हैं तो हमने विनय यहाँ पर कॉपी करा था तो विनय यहाँ पर दिख रहा है। हमें इस पर क्लिक कैसे करना है, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करना है, विनय पे कंट्रोल दबा के क्लिक कर देना है, कंट्रोल दबा के क्लिक लेफ्ट क्लिक कर देना। जैसे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेलमेट आइडेंटिफायर पोटेंशियल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट लिखेगा और यस पे क्लिक कर देना। जैसे हम यस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डाटा यहाँ पे लिख के आ चुका है, देख रहे हो आप। खाली हमें क्या कॉपी करता है, विनय कॉपी करता है पर पूरे इसी फाइल का डाटा ओपन कर दिया इसने, एक वर्ड कॉपी करते हैं सारा कॉपी करता है, एक लिंक बना देता है। इसमें क्या था, पेस्ट इज हाइपर लिंक, एक लिंक बना देना, लिंक को कॉपी करना तो पूरी फाइल कॉपी हो जाती है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए।